रानी हाजिर है और आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी चिकन रोल। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट मैंने लिए हैं उनमें 3/4 kg चिकन चेस्ट, जिसके छोटे छोटे पीसेस मैंने कर लिए हैं, और इसके अलावा 1.5 tablespoon गार्लिक पेस्ट, 1.5 tablespoon जिंजर पेस्ट, इसके साथ ही 1 tablespoon फुल मस्टर्ड पाउडर मैंने लिया है। आप किसी भी कंपनी का अच्छा मस्टर्ड पाउडर यूज़ कर सकते हैं। 1 tablespoon फुल रेड चिली पाउडर, 1 tablespoon सॉल्ट, 1 teaspoon मैंने लिया है चाट मसाला, और 1 teaspoon फुल ही मैंने वाइट क्यूमिन और ब्लैक पेपर पीसी भी ली है, और 1 teaspoon फुल गरम मसाला पाउडर है, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि दालचीनी, लौंग और कुछ इलायचियों को पीस कर आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा 2 lemon इसमें यूज़ होंगे, और अच्छी तरह से शेक करने के बाद तकरीबन 2 tablespoon सोया सॉस मैं इसमें शामिल करूँगी, ताकि ये मैरिनेशन के लिए मैं इसे रख सकूँ। मैरिनेशन का अमल हम 2 hours तक के लिए रखेंगे। अब मैं ये तमाम ड्राई स्पाइसेस इसमें शामिल कर रही हूँ, तमाम के तमाम स्पाइसेस, और साथ ही ये लहसुन और अदरक, ये हमें लेस वाटरी रखना है ताकि पेस्टिंग का अमल बिल्कुल ठीक हो। अब मैं इसमें लेमन स्क्वीज करूँगी। जी तो कुकिंग से पहले आपको पता ही होगा कि हमें हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो हम हाथों के डायरेक्ट कांटेक्ट को कुकिंग में नहीं रोक सकते। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और 2 घंटों के लिए मैरिनेशन प्रोसेस के लिए इसे कवर करके फ्रिज में रख दूंगी। व्यूअर्स, अगर आप YouTube कुकिंग चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स ज़रूर दिया करें। ये क्रिस्पी चिकन रोल आप नाश्ते में भी नॉर्मल रेगुलर यूज़ के लिए रख सकते हैं, और इसके अलावा पिकनिक पार्टीज़ में भी कैरी कर सकते हैं। तो अब मैं इसे फ्रिज में रखने जा रही हूँ। जी तो जनाब, मैरिनेशन कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस। अब हम फ्राइंग की तरफ जा रहे हैं। इसके लिए मैं छोटे छोटे पीसेस उठाऊँगी चिकन के, और इसे सबसे पहले मैं एग रैपिंग करूँगी, और उसके बाद कॉर्नफ्लावर रैपिंग, और फिर गरम गरम ऑयल में डीप फ्राई। मैंने ऑयल 2 कप लिया है, क्योंकि डीप फ्राई के लिए काफ़ी सारे ऑयल की ज़रूरत होती है। हम इन चिकन के पीसेस को 5 to 6 minutes तक फ्राई करेंगे। 5-6 मिनट गुजर चुके हैं, अब हमारे ये क्रिस्पी चिकन तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसे डिश आउट करने जा रही हूँ अपने लजीज से रोल, जिसको आप रायते के साथ, सॉसेजेस, केचप, मायोस, जिस तरह आप चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो एक रोल मैं सब्ज रायते के साथ तैयार कर रही हूँ। सब्ज रायते की और डिफरेंट टाइप के रायतों की रेसिपी मैं बता चुकी हूँ, आप वीडियो में सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल में, रायता स्पेशल में। इसके अलावा लच्छेदार पराठे भी आप सर्च करें, आपको रेसिपी मिलेगी, फिर आप बनाएं और एंजॉय करें। और एक रोल मैं अपने बच्चों के टेस्ट की वजह से केचप और मायो के साथ बनाना चाह रही हूँ, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने रिजल्ट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये खुद ही स्प्रेड हो जाएगा जब हम इसे रोल करेंगे। हमारे क्रिस्पी चिकन रोल्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।